Hi, welcome back guys. I'm here with a very new recipe, chicken breast, for all my gym going lovers. It's very easy to make and high in protein. It's not only tasty but also very healthy. Try it out and let me know in the comment section. Chicken breast maine frozen wala liya hai, aap log koi bhi le sakte hain. Market se aap log taza bhi chicken laake cut karke la sakte hain aise. To abhi ye frozen hai to abhi isko pani mein dip karna padega. Frozen wala chicken kya hai, abhi main ise pani mein dip karke 10 minute tak rakh dungi. चिकन ब्रेस्ट जो मैंने पानी में डुबो के रखा था, अब ये सॉफ्ट हो गया. अभी इसको कट लगाना है. मैंने कट लगा लिया, आप लोग भी ऐसे कट लगा लेना. तो अभी इसको मैरिनेट करना है. मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है दही. आप लोग खट्टा वाला दही यूज़ कीजिए. मैंने लिया है खट्टा वाला दही. आप लोग कोई भी घर पर भी दही तो अवेलेबल होगा ही, तो कोई भी दही यूज़ कर सकते, मगर मीठा वाला मत लीजिए. और चाहिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने घर पे बना रखा है ऐसे. थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स. अभी मैंने लिया है ऑयली ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयली ऑयल. आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बटर में फैट्स ज़्यादा होता है तो हम लोग ऑयली ऑयल ही खाते हैं. अगर आप लोग जिम जा रहे हो तो ऑयली ऑयल खाना. ऑयली ऑयल अगर नहीं है तो आप लोग कनोला ऑयल भी ले सकते हैं, पर कनोला ऑयल से ज़्यादा बेटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयली ऑयल. तो अभी सब्जी को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और इसको फ्रिज में कम से कम 30 मिनट्स तक रखना है. तो मैं 30 मिनट तक मैरिनेट करके रखूँगी ताकि अच्छे से कोल हो जाए. बस हो गया. अब इसको 30 मिनट तक मैं फ्रिज में रख दूंगी. तब तक मैं जा रही हूँ नहाने के लिए. वो बहुत है घूरी थके जब बा अपनी की खाए और की ड्रिंक्स लोले भाल होए, तो अपनी जिम जाए तो अपनी गम पाए. सो सोने मैं दी आसो. मैं तेने एक ना, मैं प्रोटीन हिसाब से मैं नेचुरल प्रोटीन खाऊँ. और जो अपने वे प्रोटीन खा विचार तो अपने ट्रेनर सोक जाने जब अपने पीटि लैसे. तो जीटी नाखा सदा चाय लो कारण तैनो आजिकाली मार्केट ढेर पाए. सो जीटी नाखा कारण और डॉक्टर को सी लगभग हेल्थ इश्यूज आज मैं सदा यू कौ जिम गई डाइट कर जिको डाइट कर आगत अपने एबार डॉक्टर कन्सल्ट कर कारण किसान डायबेटिक आस बीपी आस पी सी ओ डी आसो कारण मैं यू हेल्थ इश्यूज कारण अपने डॉक्टरक एबार डाइटर कथ भल्क सी लो भल डाइट कारण भल और ट्रेनर लगत अपने कथ पात जाते गा धुई लगे चिकेन खी मैरिनेट कर. 30 मिनट हो चुका है. अभी इसको हम लोग ग्रिल करेंगे और आप लोग चाहे तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या ओटीजी कुछ भी बेक भी कर सकते हैं आप लोग. बस ये रेडी है अभी ग्रिल करने के लिए. अभी मैंने पैन लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ. तेल नहीं डालने से भी होगा क्योंकि मैरिनेट करते वक्त मैंने यहाँ पर तेल डाला ही हुआ है. तो अभी बस थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके मैं यहाँ पर दे देती हूँ. और मैंने इसके बाकी का जो मसाला है वो भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ. हो गया तैयार, मस्त हो गया. अभी इसको दोनों साइड से पकाना है हमें. ये 15 से 20 मिनट तक इसको कुक करना है बस, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिया है. अगर छोटा हो तो 10 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चिकन ब्रेस्ट बनाने के लिए. तो अभी इसको हम लोग रख देते हैं. 5 मिनट हो चुका है तो अभी इसे देखते हैं. बीच बीच में हमें चेक करके रहना है और कभी इसको पलट लेते हैं. पलटा दिया मैंने, दोनों तरफ पलट लेते हैं. अभी इसको और 5 मिनट तक कुक करना है. 5 मिनट हो चुका है, चलिए देखते हैं. ये देखिए बस, और इसको और 10 मिनट तक पकाना है. 10 या 5 मिनट तक हो जाएगा. ये पलट लेते हैं, अच्छी तरह से दोनों तरफ कुक हो जाए. और ज़्यादा भी इसको नहीं पकाना है, नहीं तो इसका जो मॉइस्ट है वो सब ख़राब हो जाएगा. और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, क्योंकि पूरा टेंडर. फिर ढक देते हैं. पूरा 20 मिनट हो चुका है, बस रेडी हमारा चिकन ब्रेस्ट. इससे अच्छा प्रोटीन कहाँ मिलेगा आप लोगों को,
मैंने सर्व कर लिया। अभी आप लोग इसके साथ चटनी जो घर पे बनाया हुआ ग्रीन चटनी और सैलड, जो भी आप लोग को सैलड पसंद है उसके साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा चिकन ब्रेस्ट और मैंने सर्व किया है टमाटर खीरा और प्याज के साथ। आप लोग जो चाहे सैलड यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ सैलड बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, इससे टेस्ट में और अच्छा स्वाद आता है। हो गया तैयार हमारा चिकन ब्रेस्ट।